चलिए बच्चों, आज हम जो गॉस थ्योरम की हमने समझी थी उसकी एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। कुछ एप्लीकेशन में गॉस थ्योरम की बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल भी एक एप्लीकेशन आई थी, हर साल एक एप्लीकेशन आपके एग्ज़ाम में आती है, तो बच्चों देखेंगे किस तरह से एप्लीकेशन करते हैं इसकी। तो हम इसकी एप्लीकेशन कर रहे हैं बेटा, ठीक है? देखें आप ज़रा कैसे करेंगे एप्लीकेशन। डालेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है? ये कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से सुनिए आप लोग। सबसे पहले एप्लीकेशन में बात करता हूँ। पहली एप्लीकेशन है बेटा फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, ठीक है? अब मैंने क्या किया इसका, अब मैं इसकी एप्लीकेशन कर रहा हूँ बेटा। वी हैव टू यूज द गॉस थ्योरम टू फाइंड द एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम, यानी कि हम बता सकते हैं कि जो हमने गॉस फॉर्मूला बनाया है उसकी हम एप्लीकेशन उसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह के न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लगभग सारी ये आपको कंटिन्यूस बॉडी मिलने वाली है, कंटिन्यूस बॉडी है ना, और कंटिन्यूस बॉडी में मैंने बताया था आपको इंटीग्रल करते हैं। जितनी भी कंटिन्यूस बॉडी होती हैं उसमें लगभग हम इंटीग्रेशन से ही सॉल्व करते हैं। तो देखें, पहली एप्लीकेशन मैंने मान लिया यहाँ एक चार्ज वायर बनाया, ठीक है बेटा? बल्कि नीचे बना देता हूँ थोड़ा सा, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ बेटा, ठीक है? मैंने एक चार्ज वायर बनाया यहाँ पर, ठीक है? मान लिया इसकी लेंथ तो L है, इसकी लेंथ तो L है, और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, वो यहाँ पे इस तरह से इस पर चार्ज पड़ा हुआ है, वो चार्ज Q है ना? अब मैंने क्या किया, इस पर गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। तो मैंने बताया था आपको हमेशा चार्ज को सेंटर में लेकर आओ, तो इस पर एक ही तरीका है सेंटर लाने का। इस पर मैं क्या करूँ, इस तरह से एक गॉसियन सरफेस बना लूँ। ये मेरी गॉसियन सरफेस है, यानी कि इसके अंदर जितना भी हमारा फील्ड एनक्लोज हो रहा है उसको हम निकाल पाएंगे। तो इसको देखिए, ध्यान से देखें आप। अब इसमें मैंने बताया था कि हमेशा किसी भी बॉडी से जब चार्ज निकलता है, जब भी किसी बॉडी से चार्ज निकलता है या एब्जॉर्ब होता है, वो 90 डिग्री पर होता है। कितने पर होता है? 90 डिग्री पर। देख लो आप, यहाँ पर भी देख लो, मान लिया मैंने लाइन चार्ज है मेरे पास, ठीक है? एल लेंथ है, सपोज़ करो यहाँ से एक छोटा सा एलिमेंट ले लूँ और यहाँ से एलिमेंट ले लूँ, ठीक है? इस पॉइंट पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अगर मैं इससे इधर निकालूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस डायरेक्शन ये होगी इसकी, इस पॉइंट पर पी पर, और इधर से एक एलिमेंट इधर से काट लूँ और मैं इधर से निकालूँ तो इधर को होगी ई, ठीक है बेटा? ये भी ई होगी, चूँकि इक्विडिस्टेंट है ये, मान लिया इक्विटोरियल लाइन है, मान लिया मैंने ये इक्विटोरियल लाइन है, तो देखें क्या होगा। ये मैंने मान लिया थीटा एंगल है, तो ये भी थीटा होगा, इसका ई और ये भी ई, इधर होगा ई कॉस थीटा, इधर होगा ई साइन थीटा, इधर होगा ई कॉस थीटा, इधर होगा ई साइन थीटा। तो आप देख रहे हैं, हम ये और ई कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो इस वायर से नेट फील्ड किधर को आया, देखो 90 डिग्री पर आया, ये आया नेट फील्ड, इधर को आया नेट फील्ड, है ना? दोनों फील्ड इधर को आ गए, ई कॉस थीटा ई साइन थीटा, ई कॉस थीटा ई साइन थीटा। इसलिए इससे ये कितना एंगल बना रहा है, 90। तो याद कर लो, किसी वायर से जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो 90 पर निकलेगा, यानी कि इस पर टेंजेंशियल नहीं लगा सकता फोर्स, क्योंकि कॉस कैंसिल हो जाएंगे। मैंने आपको समझाया, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है बनाने की, आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब क्या करेंगे देखिए आप, तो इसलिए हर एक सरफेस पर एक नॉर्मल वेक्टर तो स्केच करना ही है। मैंने क्या किया, यहाँ पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इधर को नॉर्मल वेक्टर इस साइड में होगा एन कैप, इधर को नॉर्मल वेक्टर इस साइड में होगा। कोशिश ये करें जब भी नॉर्मल वेक्टर बनाएं बॉडी से आउटसाइड होना चाहिए वो। यहाँ पर भी मैंने एक छोटा सा नॉर्मल वेक्टर काट लिया, ये छोटा सा एरिया लिया सरफेस वेक्टर बनाने के लिए लिया, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इधर को होगा, और ये एन कैप भी इधर ही को होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगा, ये वाले पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही को होगा, इधर, क्योंकि इससे तो 90 पर जा रहा है ना, इधर तो जा नहीं सकता इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा नहीं सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा तो ये 90 बन गया और ये 90 बन गया, ठीक है? ये 90 आ गया,
अब देखें आप, यानी कि अगर मान लो मुझे इसका फ्लक्स निकालना है, तो मैंने बताया था ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये वाला तो फ्लक्स बनाएगा नहीं, क्योंकि ये ई तो इधर को है, डी एस इधर को है, यानी कि 90 का एंगल हो गया, तो फ्लक्स होता है ई डी एस कॉस थीटा, थीटा 90 है, तो यहाँ पर कोई फ्लक्स नहीं बनेगा, यानी कि ये वाला सरफेस कोई फ्लक्स नहीं बनाएगा और ये वाला सरफेस भी कोई फ्लक्स नहीं बनाएगा, यानी यहाँ से लाइट निकलेगी ही नहीं, केवल लाइट जो निकलेगी इसी कर्व सरफेस से निकलेगी, बिकॉज यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, थीटा जीरो है, और कॉस थीटा जब जीरो होता है तो मैक्सिमम फ्लक्स होता है। तो मैं इसे सॉल्व करूँगा, तो ई ये वाले की बात कर रहे हैं, ये तो जीरो हो गए दोनों, है ना, क्योंकि इधर तो फ्लक्स जा नहीं सकता इधर को, अभी मैंने प्रूफ भी किया था इधर फ्लक्स नहीं जा सकता, फ्लक्स इधर जाएगा या इसकी कर्व सरफेस से जाएगा, हर पूरी कर्व सरफेस से जाएगा, तो ई डी एस हो जाएगा बेटा ई डी एस कॉस जीरो, जीरो इसलिए लिखा कि दोनों ये देखिए कर्व सरफेस से है ये, और ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। डी एस कितना हो जाएगा, टू पाई आर एच, यानी एल इसकी लेंथ ले लूँ तो ई हो जाएगा, इसका ई आएगा बेटा, इसका ई आएगा, इसका ई आएगा बल्कि ऐसे कर ले आप, ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डी एस क्या हो जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि यहाँ तो निकल दे रहा है, टोटल सरफेस एरिया तो हो नहीं सकता इसका, इसका टोटल सरफेस एरिया तो हो नहीं सकता, इसलिए मैं क्या करूँगा, ई डी एस को डाल दूंगा टू पाई आर एच, टू पाई आर एच हमने टेंथ में पढ़ा था, ये कर्व सरफेस एरिया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई की वैल्यू आ गई वन अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा, क्यू अपॉन एल आर। चूँकि ये वायर पर चार्ज पड़ा हुआ है, इसमें एक लीनियर चार्ज डेंसिटी भी होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है देखें आप, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो इससे क्यू हो जाएगा लैम्डा एल, यहाँ डाल देंगे वन अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एल अपॉन एल आर, ठीक है, एल से एल उड़ गया, तो इससे आ गया ई इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जितना ज़्यादा लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी वायर पर, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये जो आर है, ये आर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि ये आर रेडियस इसकी आ गई ना बेटा, है ना, ये आर होती थी रेडियस, याद सर सिलेंडर भी ये आर है, ये वाली आर है, तो जितना आर ज़्यादा होगा उतनी ही कम होगी, यानी ई जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर होती है। इसके ग्राफ भी बना सकते हैं हम, ई और आर का, ई और आर का ग्राफ बना सकते हैं बेटा हम, थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ, इससे आगे यहाँ रब कर देता हूँ, इसके आगे यहाँ पर आ जाते हैं हम। अगर मैं ग्राफ पूछूँ ई और आर में, यहाँ छोड़ दीजिए आप, तो इसका ग्राफ क्या आएगा ई और आर में, ई और आर में ये ग्राफ होगा, इसका कॉपी कर लें आप। ये हमारी पहली एप्लीकेशन वायर पर ख़त्म हुई। अब मैं सेकंड एप्लीकेशन की बात करता हूँ, अब मैं सेकंड एप्लीकेशन की बात करता हूँ, सिर्फ कर देता हूँ बच्चा, सेकंड एप्लीकेशन बात कर रहे हैं हम, सेकंड एप्लीकेशन क्या होगी देखें, सेकंड एप्लीकेशन देखिए आप जरा क्या होगा, बोल सकते हैं सेकंड एप्लीकेशन है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल देखिए आप कैसे निकालेंगे इसको। मैंने एक शेल ले लिया बेटा, मैंने एक शेल लिया, मैंने एक शेल लिया देखिए ये, ठीक है बेटा, ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस आर है, इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज स्प्रेड है क्यू, ठीक है, शेल मतलब अंदर हॉलो है, ये अंदर हॉलो है। मुझे सबसे पहले निकालनी क्या है,
एक आर डिस्टेंस में निकालना है। पहले निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड जब डिस्टेंस आर जो हो बड़ी हो आर से, पहला केस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट बाहर होगा कहीं, आर से बड़ा है, तो इसको मैंने इसे ऐसे ज्वाइन कर दिया, यानी कि ये जो आर रेडियस होगी, बल्कि इसे नीचे ले लेता हूँ, पहले निकालता हूँ आर जब बड़ा हो आर से, आउटसाइड है, यानी कि जब जब मेरा पॉइंट पी जो हो आउटसाइड हो, तो मैं क्या करूँगा, इस पर एक गॉसियन सरफेस बनाऊँगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। अब देखिए यहाँ से सेंटर से ये डिस्टेंस तो आर है, इस पी पॉइंट पे निकालनी है, कहाँ निकालनी है, पी पॉइंट पर, यहाँ निकालनी है, पी पॉइंट है ये, तो कैसे डालेंगे, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जहाँ निकालना है एक छोटा सा एरिया काटूंगा, मैं बता चुका हूँ ई भी बाहर को होगा और एन कैप भी बाहर को होगा, इसका ई भी बाहर को होगा और एन कैप भी बाहर को होगा, तो देखिए आप दोनों में एंगल जीरो हो गया, तो यहाँ डालेंगे ई डी एस डी एस कॉस जीरो वन हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डी एस हो जाएगा इसका 4πr², क्योंकि ये स्फीयर बनेगा, चार्ज जो होता है स्फीयर बनाता है, तो ई हो जाएगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा 4πr², नीचे ले आऊँगा तो हो जाएगा 1/4π, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि एक तरह से ये पॉइंट चार्ज की तरह, यानी कि इस टाइम अगर पी, यानी कि अगर आर काफ़ी बड़ा हो आर से, तब हमारा जो स्फेरिकल शेल पर चार्ज है वो एज ए पॉइंट चार्ज काम करता है, याद कर लेंगे एज अ पॉइंट चार्ज, इसके भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको चार्ज, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए बेटा एज ए पॉइंट चार्ज काम करेगा, बिकॉज यही फॉर्मूला मैंने पॉइंट चार्ज के लिए बताया था, याद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाली थी, तो ऐसे निकाला था हमने, तो ये मेरा पहला डेरिवेशन आ गया व्हेन द पॉइंट वाज आउटसाइड फ्रॉम द स्फेरिकल शेल। अब इसका दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे आप, सेकंड देखें आप, इसी के अंदर सेकंड पार्ट है बेटा, ये पहला था जब मेरा पॉइंट बाहर होगा, अब मैंने मान लिया दूसरे में, इसे मैंने क्या किया, वही सर्कल शैल है, सेम चल रहा है बेटा, अभी कोई चेंज नहीं है, अब किसे मैंने क्या करा, उस पी पॉइंट को कहाँ ले आया, यहाँ पर ले आया सरफेस पर, यानी कि इस टाइम आर इजिकल टू आर हो गई, आर इजिकल टू आर हो गई, ठीक है, जो आर डिस्टेंस है वही आर हो गई, यानी कि इट मीन्स वी आर एट द सर्कमफ्रेंस या सरफेस, सर्कमफ्रेंस नहीं बोल सकते, सरफेस बोलेंगे बिकॉज ये स्फीयर है, सरफेस पर जब हो जाएगा तब क्या होगा, देखिए अब ज़रा, तब क्या करेंगे हम, फिर लगाएंगे फार्मूला, इसमें फिर वही करेंगे आप, कि इसमें यहाँ तक मैं अभी पीछे जो प्रूफ करके आया था, तो ई जो था बेटा, इसमें भी आप काम करें, यहाँ पर भी छोटा सा एक दिखा तो दे ही काट कर, ई इधर ही को होगा और एन कैप भी इधर ही को होगा, ई डी एस इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई ऐसे ही रखा, डी एस इसका हो जाएगा 4πr² क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा दोनों में, नीचे ले गया तो ई की वैल्यू आएगी बेटा 1/4πε₀ क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में चार्ज तो इसकी सरफेस पर ही है, जहाँ पर पॉइंट है वहीं चार्ज पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एक सिग्मा और होगा, और सिग्मा क्या होता था, सिग्मा होती थी, सिग्मा होता था बेटा क्या, सिग्मा होता था, क्या होता है सिग्मा बताइए, सिग्मा होता है चार्ज, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4πr², ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू, दिख रहा है बेटा आ रहा है, क्यू अपॉन 4πr², ये यहाँ डाल दीजिए तो जाएगा 1/4πε₀ क्यू, क्यू ये हो जाएगा क्यू बेटा, क्यू जाएगा सिग्मा 4πr² अपॉन r² गया, 4π से 4π गया, क्या आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, e की वैल्यू आ गई, कॉपी कर लीजिए, ठीक है बेटा, ये हमेशा कांस्टेंट हो जाता है, क्या हो जाता है कांस्टेंट, बिकॉज सिग्मा भी कांस्टेंट होगा, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा जो भी होगा, यानी हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इतना ही होगा सरफेस पर, स्फेरिकल सरफेस बन जाए तब, ये स्फीयर है ना बेटा, ठीक है, इसे कॉपी करेंगे, थर्ड पार्ट देखें आप जरा इसका, इसी का थर्ड पार्ट है, सेकंड था ये, इट वाज द सेकंड पार्ट, अब इसी का थर्ड पार्ट देखें, अभी ये कंटिन्यूसली चल रहा है, और ये वाला 2015 या 2016 में बेटा, ये पूरा 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, गॉस थ्योरम आई थी प्लस उसकी एप्लीकेशन आई थी 2015 और 2016 में थी, 14 से 16 के बीच में ये
पूरा 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। इसका थर्ड है, जब अब किसी पी पॉइंट इनसाइड हो, कहाँ हो, इनसाइड हो, ये ओरिजिन, अब किसी पी पॉइंट यहाँ पर है, ये आर डिस्टेंस है और ये आर ऑलरेडी है, तब क्या होगा देखिए बाब, जब आर छोटा हो आर से, थर्ड केस एसी का, तो अब इसमें गॉसियन सरफेस बनाएंगे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है बेटा। और चार्ज तो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है सारा, जो स्फेरिकल, याद कर लो, चार्ज जो होता है किसी भी स्फेरिकल शेल में उसकी सरफेस पर रिसाइड करता है, उसकी सरफेस पर रिसाइड करता है, ठीक है बेटा, चार्ज सरफेस पर आ जाता है ये वाला चार्ज आके। अब देखिए ओरिजिन ये है, अब मैं क्या करूँगा, फिर डालूँगा ई, इसमें भी थोड़ा सा कटने की कोशिश करूँगा, ई और डी एस, तो ई डी एस कॉस जीरो हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर चूंकि चार्ज तो ऊपर है, गॉसियन सरफेस अंदर है इसके, देखिए ज़रा, तो यहाँ इसके अंदर तो चार्ज कोई एनक्लोज हो नहीं पाया, बिकॉज चार्ज इज ऑलरेडी रिसाइडिंग ऑन द ओके सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल, तो इसलिए ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो, तो इसलिए ई, जब ये जीरो हो जाएगा तो डी एस, ई डी एस क्या हो जाएगा जीरो, और डी एस का भी जीरो हो नहीं सकता, एरिया है, इसलिए ई को जीरो होना पड़ेगा, ई को जीरो होना पड़ेगा। तो याद कर लें किसी भी स्फेरिकल शेल के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, याद रख लेंगे इसको। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो मैं इसके ग्राफ भी बना सकता हूं, देखें आप, इसे ई मान लें, इसे आर मान लें, यहां पर आर इज इक्वल टू आर, आर से पहले तो ई जीरो है, आर से पहले तो ई जीरो है, तो यहां तो कोई फील्ड होगा नहीं आर से पहले, आर से जब बढ़ेंगे इस तरह से आएगा बेटा, ये हो जाएगा ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। और यानी कि याद कर लो बेटा, जब इसकी सरफेस होती है यहाँ पर इसका मैक्सिमम होता है, ई क्या होता है यहाँ पर, ई ई मैक्सिमम आता है, कहाँ पर होता है, सरफेस पर मैक्सिमम होता है, बाहर जाने के बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल कम होता है और यहाँ जीरो होता है, यानी कि आर तक जीरो होता है, बिकॉज इट इज़ अ हॉलो स्फेरिकल शेल, ये ई, ये मैक्सिमम है, ये वाला ई, ये ई मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर मैक्सिमम है ये, बल्कि यहाँ लिख सकता हूँ मैं, इस आर पर मैक्सिमम बेटा, यहाँ पर मैक्सिमम ई मैक्स, ठीक है। ये ग्राफ भी आ गया, यही बोर्ड में आया हुआ है ग्राफ, देखो आपको पता होना चाहिए शेल में कैसे होता है, कॉपी करेंगे आप इसको। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन देखिए आप, थर्ड एप्लीकेशन देखेंगे, अगर मान लो नेक्स्ट एप्लीकेशन बेटा, अगर मेरे पास नॉन कंडक्टिंग, कैसा, नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर हो, थर्ड केस है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फेरिकल चार्ज सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ठीक है बेटा, आराम से कॉपी करेंगे। देखिए आप, अब देख कैसे करने वाला हूँ मैं कॉपी, कैसे करेंगे इसको, मैंने इसमें एक शेल बना, सॉरी, अब देखिए नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है कि इसमें जहाँ चार्ज पड़ा है ऑसिलेटरी पड़ा रहेगा, क्योंकि ये जितनी भी नॉन कंडक्टिंग बॉडीज़ होती हैं वो चार्ज को होल्ड करती हैं, वो चार्ज को होल्ड करती हैं बेटा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा इसके अंदर, मुझे इसके लिए किस तरह से पहला केस निकालना है, देखें आप ज़रा। सपोज करो मैंने ये स्फीयर लिया, सॉलिड स्फीयर है बेटा ये, लेकिन नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग में क्या फर्क होता है, जहाँ चार्ज है ऑलरेडी वहाँ रहेगा, इसके अंदर भी चार्ज रहता है इसके अंदर, ये वो ओरिजिन है, ये रेडियस इसकी आर है, इस पर मैंने मान लिया चार्ज क्यू है, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, मैंने पहला केस लिया जब आर छोटा हो आर से, जब आर छोटा हो आर से, तो क्या करेंगे बेटा, देखें आप ज़रा, सिंपल सी बात है, मैं इसमें एक, ये आर रेडियस है ना बेटा, ये तो आर है, मैं इसमें एक क्या करूँगा, एक छोटी सी सरफेस बना लूँगा जो आर रेडियस की होगी आर, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअल इस पूरी सरफेस में तो क्यू चार्ज है, तो इसमें कुछ कम होगा चार्ज, बिकॉज चार्ज तो सब में स्प्रेड है, तो मैंने मान लिया इस पर चार्ज क्यू डैश है, क्या मान लिया, छोटे से स्फीयर पर चार्ज मैंने मान लिया क्यू डैश।
और चूंकि ये मीडियम है तो इसलिए मैं सीधे सीधे फॉर्मूला लाऊंगा, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू डैश, इस वाली इसकी बात कर रहा हूँ बेटा, अपॉन एप्सिलॉन ना लेके एप्सिलॉन नॉट ले, सॉरी एप्सिलॉन नॉट ना लेके मैंने एप्सिलॉन ले लिया, क्या ले लिया, एप्सिलॉन ले लिया, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ पर भी मैं छोटा सा वही एक छोटा पीस काटूंगा इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगा और एन कैप भी इधर को होगा, तो ये ई डी एस रह जाएगा, ई डी एस क्या हो जाएगा इसका, इसकी रेडियस आर है, ई डी एस हो जाएगा 4πr² इज इक्वल हो जाएगा क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन, ई के वैल्यू निकाल लीजिए आप, ये हो जाएगा बेटा 1/4πε एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्यू डैश, सॉरी क्यू डैश, क्यू डैश क्यू डैश चल रहा है ना इस वाले के, ये पूरे में क्यू है तो छोटे में क्यू डैश, अब क्यू डैश है कितना हमें पता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अगर मैं क्यू डैश निकालूँ तो क्यू डैश कैसे निकलता, सुने आप, मैंने बोला कि अगर रो मुझे पता है बेटा, मैं इसको इसे रब कर देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, देखें आप, हमें पता है इस वाले सिर्फ हमें पता है रो जो होता है ना वो होता है बेटा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मैं बता चुका हूँ शुरू में, मैंने बताया कि बहुत यूज होगा, तो बेटा यहाँ रो जो होगा चार्ज तो इसमें कितना होगा क्यू डैश होगा इतनी सरफेस में, अपन वॉल्यूम क्या होगा 4πr² होगा, ये यहाँ ले जाओ, सॉरी 4 अपन वॉल्यूम है ना बेटा 4π3πr³, क्या होगा बेटा 4π3πr³, इससे क्यू डैश की वैल्यू निकल जाएगी, क्यू डैश की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, यहाँ आएगी बेटा कितना 1/4πε क्यू डैश हो जाएगा रोह 4π3πr³ / r², ठीक है बेटा, काटते हैं 4π से 4π कैंसिल हुआ, ठीक है बेटा, ओके, इस आर स्क्वायर से r रह गया, तो e की वैल्यू कितनी आई, ये आई बेटा मेरी नीचे तो आ जाएगी 3, ऊपर आ जाएगा रोह r, ऊपर आएगा रोह ये r बचेगा अपॉन 3εr, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर r को जीरो कर दूँ, अगर मैं सेंटर में बात करूँ, अगर r जीरो हो जाए, अगर r जीरो हो जाए, यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं ऊपर को सरअप कर देता हूँ मैं, अगर r जीरो हो जाए, अगर r जीरो हो जाए, ये जीरो तो यानी कि मैं सेंटर पर हूँ, तो सेंटर पर हमेशा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे e की वैल्यू जीरो आ जाएगी, क्या आ जाएगी, e जीरो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन जब मैं आगे बढ़ूंगा तो r आगे बढ़ने से यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ई इजिकल डायरेक्टली आर भी तो है, तो इस वाले में क्या होगा, इस वाले में ग्राफ इस तरह से आएगा, देखिए यहाँ से आर तक तो ऐसे बढ़ेगा, आर इजिकल टू आर तक, आर इजिकल टू आर तक बढ़ेगा, यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन बढ़ रहा है, यहाँ जीरो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और बाकी आगे बाहर जाने के बाद तो हमें पता ही है कि इन्वर्सी चलता है और बाहर ऐसे चलेगा, तो इसका ग्राफ ये होगा ई और आर में, ठीक है, ये आर इजिकल टू आर है, ये आर दिया, ये भी कॉपी कर लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, कर सकते हैं आप कॉपी इसको। नेक्स्ट नेक्स्ट और देखते हैं बेटा इसकी एप्लीकेशन, इसके बाद नेक्स्ट डालेंगे बेटा हम एप्लीकेशन में, बोल सकते हैं कि इसके बाद आती है इन्फिनाइट प्लेन चार्ज शीट, क्या है नेक्स्ट है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ये चार्ज शीट या शीट ऑफ चार्ज डाल लो, शीट ऑफ चार्ज, इन्फिनाइट प्लेन है, मैंने बहुत बड़ी शीट ले ली है, ये देखिए इसमें चार्ज पॉजिटिव रखा हुआ है, इस तरह से, अब सोचिए जरा, ये मेरे पास शीट है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लो यहाँ पी पॉइंट ले लूँ और यहाँ पर एक मैं पॉइंट चार्ज छोड़ूँ तो इधर भागेगा, क्योंकि प्लस चार्ज है यहाँ पर, इधर धक्का देगा, इधर भी देगा, तो इस तरह से इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ठीक है बेटा, तो इसमें सिमेट्री क्या करेंगे, हमने एक पॉइंट ले लिया पी, जो कि सेंटर से, यहाँ से मैंने एक गॉसियन सरफेस काट ली छोटी सी, सरफेस में गॉसियन सरफेस काटेंगे, ये मैंने इसकी पी पॉइंट पर निकालना है बेटा, तो इस तरह से मैंने क्या करा, एक गॉसियन सरफेस बना ली, ठीक है बेटा, यानी कि ये मेरी बात आ गई इस तरह से, ठीक है, यहाँ चार्ज पड़ रहा है सब में, ये सब में चार्ज है, अब देखिए पी पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, पी पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, पी इधर भी इधर को होगा और एन कैप भी इधर ही को होगा, इधर भी इधर को होगा और एन कैप भी इधर ही को होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए, अब तुम्हें पता है, जब ये ध्यान से सुने बेटा, ये मेरी पास शीट है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल तो जा नहीं सकता, यानी कि इसमें इसकी कर्व सरफेस कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगी फ्लक्स, क्योंकि कारण क्या है बेटा, कंट्रीब्यूट क्योंकि जो सरफेस होगी वो और
इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं नॉर्मल वेक्टर इधर ले लूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रहा है या इधर को जा रहा है, तो 90 हो जाएगा। तो इसमें कर्व सरफेस कोई कंट्रीब्यूट नहीं करती है, ओनली ये मेरे जो सर्कुलर एंड्स हैं ये वाले, ये फ्लक्स को निकालेंगे, यानी ये लाइट यहाँ से निकलनी चाहिए। तो कैसे निकलेंगे, सुने, ये आपको पता है टोटल एनर्जी होती है, यहाँ पर टोटल लाइट होती है। अब देखिए ये जो टोटल एनर्जी होगी, ये जो टोटल होगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। मैंने मान लिया ये भी ई डी एस है, ये भी ई डी एस है, ई डॉट डी एस है, ई डॉट डी एस है, तो ई डॉट डी एस का दुगना हो जाएगा, ये भी और ये दो दो ऐड कर देंगे, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, ई डॉट डी एस बेटा, क्योंकि ये जो होगा ट्वाइस ऑफ वो होगा क्यू, यहाँ से जो चार्ज आएगा वो देगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लाइट देगा, देगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ई डी एस जीरो हो जाएगा, ई यहाँ लिख देता हूँ बेटा, मैं थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे बेटा, ये तो आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं। डी एस हो जाएगा इसका क्या, डी एस ऐसे रहने दीजिए, ई डी एस ये हो जाएगा क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, टू एप्सिलॉन नॉट। और क्यू होता है, क्यू होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये हो सकता है कि ई डी एस, क्यू होता है सिग्मा डी एस, क्योंकि बेटा हमने पढ़ा सिग्मा जीरो चार्ज पर नॉट एरिया होता है, मैंने ये डाल दिया डी एस से, डी एस काट दिया अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, तो ई की वैल्यू आ गई यहाँ पर सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ये आपको पता होना चाहिए, ये दूसरा प्रूफ आ गया, ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया होगा।